दोस्तों, हम दुनिया को कैसे देखते हैं? जैसा हमारा मेंटलिटी होती है, हम वैसे ही दुनिया को देखते हैं। जैसा हम फील कर रहे होते हैं, हम वैसा ही दुनिया को देखते हैं। दुनिया हमें कैसे लगती है? जैसा हम सोच रहे होते हैं, यानी कि हम दुनिया को अपने दिमाग से देखते हैं। जो हमारे आसपास घटित हो रहा होता है, हम उसी नज़रिए से सभी को देखते हैं। अगर यही रवैया मुख्य रूप से नकारात्मक है, अगर आपके आसपास ऐसी कोई भी चीज़ चल रही है जिससे कि आप मेंटली परेशान हैं, या फिर कोई भी इंसान आपको परेशान कर रहा है और आप मेंटली परेशान हैं, तो आप उसी तरीके से सब तरफ देखेंगे। आप कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगेगा, आप हर चीज़ के लिए नकारात्मक सोचेंगे। आपकी अगर बचपन से जब तक भी आप जो भी आपकी उम्र है वहाँ तक भी अगर आपने नकारात्मकता देखी है, तो वो बार बार आपको याद दिलाएगी कि ये चीज़ें मेरे साथ में घटित हो चुकी है, और एक डर आपके अंदर बना हुआ रहेगा। इसलिए हम हमेशा जो भी चीज़ देखते हैं, जिस भी तरीके से जीते हैं, वो हमारी मेंटालिटी से जीते हैं। और अगर हमारी मेंटालिटी ही नकारात्मक हुई, तो हम कैसे जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? हम हर तरफ नकारात्मकता ही ढूंढेंगे, हमें कभी पॉजिटिविटी दिखेगी ही नहीं, हम नेगेटिविटी में ही जिएंगे, क्योंकि हमारी मेंटल जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो चुकी है। हमने कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास्ट में या फिर अभी हमारे साथ में घटित हो रही हैं, जो हमने देखी हैं, हमारे साथ में हुई हैं, उसी की वजह से हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो नेगेटिव बन चुकी है। जो भी हम सोचते हैं वो नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। इस नेगेटिव सोच से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपके परिवार को, आपके करियर को, आपकी लाइफस्टाइल को इस तरीके से प्रभावित करती है कि आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते, आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। आप हमेशा उन नकारात्मक विचारों में ही फंसे रहते हैं, उन नकारात्मक विचारों से आप कभी बाहर आ ही नहीं पाते। तो आज मैं आपको नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने के लिए 5 रास्ते दिखा रही हूँ। यकीन मानिए, अगर आपने इन 5 रास्तों को चुन लिया और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया, तो आप नकारात्मक विचार करना बिल्कुल तरीके से छोड़ सकते हैं। आप ज़रूर देख सकते हैं ये चीज़ कि आप में कितना बदलाव आया है, कैसे आपके नकारात्मक विचार अब बदल रहे हैं। एक बार में नहीं बदलेंगे, आपको जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो बार बार अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी होंगी, हर रोज़ अप्लाई करनी होंगी, जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल सुधरे, आपकी मेंटालिटी सुधरे, आपका जो मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है वो सुधरे। तो आइए शुरू करते हैं, कौन से वो 5 तरीके हैं जिनसे कि आप अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर पॉजिटिविटी में जिएंगे, आप नेगेटिव माहौल से बाहर निकलकर पॉजिटिव माहौल में आएंगे। रोज़ाना नकारात्मक विचार करने का समय लीजिए। जी हाँ, जब हम बार बार नकारात्मक विचारों को दूर भगाते हैं, जब हम बार बार ये सोचते हैं कि ऐसे विचार मुझे क्यों आ रहे हैं, तो वो नकारात्मक विचार आपको पूरी तरीके से घेर लेते हैं, और बार 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 आपको वही विचार आते रहते हैं, आप कुछ और नहीं देख पाते हैं। तो यकीन मानिए मेरा, और अच्छे से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए इस चीज़ को कि रोज़ नकारात्मक विचार करने का समय लीजिए, उन्हें दूर मत भगाइए, उनका समय लीजिए। आप एक समय निर्धारित कर दीजिए, या जिस भी समय आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर मुझे नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको 10 मिनट में कन्वर्ट कीजिए। किसी भी समय आपको नकारात्मक विचार आते हैं तो उसे लिख लीजिए, अपनी किसी भी कॉपी में या फिर कहीं पर भी, फ़ोन में भी नोट कर लीजिए कि मुझे ये नकारात्मक विचार अभी आ रहा है, और फिर अपने आप को टाइम दीजिए 10 मिनट का, चाहे वो कोई भी समय हो। याद रखिए, 12 घंटे हैं आपके पास में, 24 घंटे हैं दिन के, लेकिन 12 घंटों में आपको सिर्फ एक टाइम निर्धारित करना है। चाहे तो 10 मिनट लीजिए, चाहे 20 मिनट लीजिए, लेकिन उन विचारों को लिख लिया है जहाँ पर भी, उनको वापस से लाइए अपने सामने और सोचिए कि आप ऐसा उस समय क्यों सोच रहे थे। आप देखेंगे कि आपके पैटर्न जो है विचार करने का, वो बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा, लेकिन बदलेगा। उनको सोचिए, उनकी समीक्षा कीजिए कि आपको ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। अगर पास्ट में कुछ घटित हुआ है तो उसके बारे में सोचिए, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है वो कभी भी अब आगे नहीं होगा। आगे कुछ और चीज़ें होंगी, नई चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी। हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखिए, नकारात्मक विचारों को बदलिए। हम नकारात्मक विचार पैटर्न को दूर नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें बदल देते हैं। हम हमेशा, जब भी हमें नकारात्मक विचार आते हैं, हम सोचते नहीं नहीं हमें तो पॉजिटिव विचार करना है, ये क्या विचार मेरे पास में आ रहे हैं, ये सोचकर हम उसे
दूर कर देते हैं और फिर से वो विचार हमें थोड़ी देर बाद में परेशान करने ही लग जाते हैं। हम में से अधिकांश के लिए वे नकारात्मक विचार पैटर्न अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में बैठ चुके हैं, हमें पूरी तरीके से वो प्रभावित कर चुके हैं। इसलिए अगर आप थोड़ी देर के लिए ये भी सोचेंगे कि मैं इसे बदल देता हूँ या पॉजिटिविटी में इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि आपके पैटर्न कब से शुरू हुए हैं। ये जो भी आप विचार कर रहे हैं वो पैटर्न कब से शुरू हुआ है, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ से ये पैटर्न शुरू हुआ है, पहले आप ऐसे थे या नहीं थे, इस पर विचार कीजिए। स्वीकार कीजिए कि यह पैटर्न है जिसे आप बदलना चाहते हैं। आप अपने आप से बोलिए कि ठीक है, उस समय मेरे साथ में ये हुआ था या इस समय मेरे साथ में ये हो रहा है और इस वजह से मेरे जो विचार हैं वो पूरी तरीके से नकारात्मक हो चुके हैं और मुझे इसे बदलना ही है। तो आपको उसे बदलना है, ना कि आप ये सोच कर बैठ जाएं कि इनको बदल दूँ, तुरंत का तुरंत पॉजिटिविटी में चले जाऊँ। धीरे धीरे ही चीज़ें बदलेंगी। स्पष्ट कीजिए कि आप क्या अलग करना चाहते हैं। अगर ये पैटर्न आ रहे हैं, आपको बार बार नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं, आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो एक बार ये विचार ज़रूर कीजिए कि अब आप क्या करना चाहते हैं। क्या इन्हीं विचारों के साथ में जीना चाहते हैं या आप कुछ नया करना चाहते हैं। कोई भी ऐसा व्यवहार चुनिए जिससे कि आपका जो भी लक्ष्य है वो पूरा हो सके। अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपको नकारात्मक विचार आ रहे हैं, किसी चीज़ में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आ रहे हैं, तो अब ये सोचिए कि इसे कैसे बदला जा सकता है। क्योंकि सभी की ज़िंदगी अलग अलग है, सबके जीवन में हर चीज़ अलग अलग होती है, किसी की भी लाइफ सेम नहीं है। इसलिए आप ही पता लगा सकते हैं कि ये नकारात्मक विचार आप कैसे बदल सकते हैं, कैसे अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 3, सोचने के बजाय लिखिए। हमेशा कोई भी चीज़ आप याद कीजिए, जब भी आप सोच रहे होंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में उलझती जाएंगी, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा इंसिडेंट आपको याद आता ही जाएगा और ना जाने कहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। सोचते सोचते हम इतने नकारात्मक ख्यालों में, इतने नेगेटिव ख्यालों में पहुंच जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या सोच रहे हैं। और जब हमें होश आता है तो हम देखते हैं कि कहाँ एक घंटा बीत गया। अगर आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो आप सोचिए मत उन्हें, एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और उन्हें लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा, आप जितना आपने सोचा है उतना तो आप लिख भी नहीं पाएंगे और जो आपने लिखा है वो धीरे धीरे अपने आप ही छूमंतर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने लिखा है और उस कागज़ को फाड़ कर फेंक दिया है तो वो नकारात्मक विचार उसी फटे हुए कागज़ के साथ आगे चले जाते हैं। करके ज़रूर देखिएगा, ये अप्लाई हुई चीज़ है, मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की है, तभी आपको बता रही हूँ कि नकारात्मक विचार आपको जब भी आए आप उन्हें लिख लीजिए और लिख कर वो कागज़ फाड़ कर फेंक दीजिए। मॉर्निंग न्यूज़ देखना बंद कीजिए या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि आपके दिमाग को प्रभावित कर रही है, जो कि आपके थॉट्स को प्रभावित कर रही है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी सुबह तो बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि हमारी आदत होती है, जब हम किसी परेशानी में जी रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हम उठते ही उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। या फिर कई लोगों की आदत होती है कि सुबह सुबह कोई भी न्यूज़ चलाकर बैठ जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए क्योंकि वो आपके नेगेटिव थॉट्स को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। याद रखिए कि सुबह उठकर कोई भी नकारात्मकता अपने अंदर नहीं लानी है, बोलकर उठिए कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, रोज़ सुबह उठकर आप बोलिए कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। इसके बाद में धीरे धीरे देखिएगा आपके नकारात्मक विचार कहीं दूर होने लगेंगे। आभार पर ध्यान दीजिए। अधिकांश लोग देखते तो हैं कि मैंने क्या किया या उसने मेरे साथ में क्या किया, किसके साथ में क्या हुआ, कितना मेरी ज़िंदगी में बदला नहीं बदला, इन्हीं के आधार पर हम नकारात्मक विचार करते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या दूसरों के बारे में सोच सोच कर और उसने मेरे साथ में क्या किया ये सोच सोच कर नेगेटिव थॉट्स करना सही है क्या? जिसको जो करना था उसने वो कर लिया, अब आप आगे बढ़िए ज़िंदगी में। अगर उसने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो आप आभार व्यक्त कीजिए कि उसने मेरे लिए उस समय ये चीज़ अच्छी की थी। और अगर नहीं कर सकते हैं तो उस इंसान को अपने से दूर कीजिए, क्योंकि उस इंसान की वजह से आपको परेशानी हो रही है। तो याद रखिए मेरी ये 5 बातें और ज़िंदगी में नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरीके से दूर कर लीजिए। अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में और देखिएगा कि कैसे आप में बदलाव आता है। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।